अ वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आप कहोगे इस टाइम हेल्दी गुड मॉर्निंग, थोड़ी सी लेट है मैं मानती हूँ। रात को थोड़ा लेट शादी थी और उसके बाद मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उठ के सिर्फ वॉक करने की हुई और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स से बहुत ज़्यादा। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि जिसने भी अपना हेल्दी वेट लूज़ करना है वो अगर 88 से 56 का सफ़र करना चाहते हैं तो वो जल्दी वॉक कीजिए। अब जैसे ये है कि मेरा बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बल्कि मुझे कल भी बोला गया मैरिज में कि प्लीज़ वेट बढ़ा ले, बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। मैं आपके साथ भी शेयर ज़रूर करूँगी अपने पिक्स वगैरह, तो अच्छा लगता है जब आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। आई होप आपने अपना कल भी अच्छी वाली वॉक की होगी। कल मैंने वॉक नहीं की है, पर मैंने आज वॉक की है। थोड़ा सा बेटे को लेट स्कूल जाना है, आज टीचर्स डे है, उसका टीचर्स डे का छोटा सा एक गेट टुगेदर होगा टीचर्स के साथ, इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। और मॉर्निंग में इसलिए नहीं मैं आपको अपडेट दे पाई क्योंकि ऐसा था कि एक तो लेट उठी थी, उसके बाद जल्दी जल्दी मुझे ये हुआ कि वॉक करनी है, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगी, लाइफ में खुश रहिए। कोई भी टारगेट अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहा कीजिए, पॉजिटिविटी मिलती है। नेगेटिव लोगों के साथ रहने से नेगेटिविटी ही मिलती है, इसलिए खुश रहिए और हेल्दी रहिए। और आप लोगों को अपना रूटीन पता चल गया कि आपने मॉर्निंग में उठना है, उसके बाद अपने आप को डिटॉक्स करना है। मैंने कई क्वेरीज देखी, वो यही पूछ रहे हैं कि बेली फैट आपका, मैंने आपके साथ जो ड्रिंक शेयर की है, मैंने कॉफ़ी की ड्रिंक आपके साथ शेयर की है, प्लीज़ फ्रेंड्स हो सके तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे आप वो ड्रिंक ज़रूर लीजिए, बेस्ट होती है। बेली फैट हो गया, थाई एरिया हो गया, और जो बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता है, वैसे तो फर्क उससे पूरी बॉडी को पड़ता है, पर वैसे उससे काफ़ी अच्छे इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। मेरी बहुत अच्छी वॉक हो चुकी है। अब तो ऐसा होता है कि बिल्कुल कुछ, आज मैं लेट तक इसलिए भी वॉक कर ली क्योंकि बेटे ने थोड़ा सा लेट जाना है स्कूल और दिनों के कंपैरिजन में। तो आप लोग भी देख लिया कीजिए कि आपको कैसे वॉक करनी है और उसके हिसाब से आपका टाइम टेबल एडजस्ट कर सकते हो। आपको अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप इवनिंग में वॉक कर सकते हो। जैसे मैंने रात को भी फंक्शंस के बाद भी बहुत लेट हो गया था, लेकिन जब आपके अंदर ना वॉक करने की एक आदत बन जाती है, आप वॉक किए बिना रह ही नहीं सकते हो, ये एक सच्चाई है। और फ्रेंड्स, लाइफ में ना कभी भी किसी गलत इंसान के साथ मत रहना। आप नहीं भी गलत कुछ करोगे ना, लेकिन कभी ना कभी गलत इंसान की परछाई भी आपके लिए गलत साबित हो सकती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिविटी ही मिलेगी, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छाई तो मिलेगी ही पर बुराई आपको नहीं मिलेगी। तो वेट लॉस जर्नी में आपने सिर्फ गुड वाइब्स जिन लोगों से आपको मिलती है उन लोगों के साथ ही कंटिन्यू करना है, बाकी रब है हमारे साथ। इतनी मेहनत करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे, और जब मैं हुई हूँ तो आप लोग क्यों नहीं होगे। और वेट ना कुछ भी नहीं है, हमें खुद से खुश रहना है। और मोटे होते हैं तब भी अपने आप को क्यूट समझो, अच्छा समझो, हमें पतला सिर्फ खुद के लिए होना है और अपनी हेल्थ सुधारने के लिए होना है। अब मैं अपनी मॉर्निंग वॉक ख़त्म करती हूँ, अब किचन की सेवा होगी, और आज उसका पार्टी टिफ़िन है तो थोड़ा सा स्पेशल टिफ़िन उसको देना पड़ेगा। आज के हेल्दी टिफ़िन में है मिक्स वेज की सब्जी, साथ में यहाँ के लिए घर के लिए उसे मैंने चौरस परांठा दिया है और ट्रायंगल परांठा, और सब्जी मैंने उसे स्कूल के लिए दी है, और ये अभी थोड़ा गर्म है इसलिए मैंने इसे रैप नहीं किया। फ्रेंड्स, फॉइल पेपर में हमें कभी भी खाना रैप नहीं करना चाहिए। और फ्रूट्स में मैंने उसे आज बब्बू गोशा और मौसम्बी दी है, मौसम्बी के हमेशा आपको सीड्स निकाल देने चाहिए, साथ में सिंपल पानी की बोतल। टीचर्स डे है इसलिए एक छोटा सा सरप्राइज उसके लिए, क्योंकि उनके स्कूल में आज पार्टी टिफिन है। फ्रेंड्स, आपको हेल्दी टिफिन सीरीज कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमें भी हेल्दी रहना और बच्चों को भी हेल्थ की तरफ लेके जाना है, इसलिए छोटी छोटी आदतें हमें बच्चों में चेंज करनी होगी, उन्हें वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह की आदत हमें डालनी होगी।
थर्सडे टू ऑल स्वीट स्वीट मम्मीज, क्योंकि सबसे पहली टीचर तो हम मम्मीज ही होती हैं जो उन्हें घर से सिखाती है कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है। तो हम सब मम्मीज के लिए भी आज बहुत प्यारा सा हैप्पी टीचर्स डे। गुड टिफिन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हमारे जो वन मंथ चैलेंज चल रहा है वो भी हमारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, दिल से बहुत खुशी होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी जरूर अपने बच्चों को हेल्थ की तरफ लेके। 8:15 हो चुके हैं और मैं अपनी मॉर्निंग की रिफ्रेशिंग टी ले रही हूँ, बहुत टेस्टी है, आप ट्राई करके जरूर देखना। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में अराउंड 10:30 मैं अपना एप्पल ले रही हूँ, फुल एप्पल है ये, बड़े वाला काफ़ी बड़ा था, और मैं ये ही ले रही हूँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं लूँगी। और साथ में पम्पकिन सीड्स, पम्पकिन सीड्स का मुझसे पूछा जा रहा था कितने लेने हैं, तो आप 8-10 ले सकते हो, और इनको भी अच्छी तरह से 32 टाइम्स फ्रूट्स के साथ आपने चबा चबा के खाना है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं बहुत अच्छा एक डिटॉक्स वाटर ले रही हूँ। फ्रेंड्स मेरी तोरी की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और साथ में मैंने इसके मैजिकल रोटी बनाई है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप कोई भी अपनी रोटी ले सकते हो, सिंपल भी ले सकते हो, और सॉल्ट फ्री में सिर्फ नमक नहीं डालना होता, नॉर्मल ऐसे खाना खा के ही मैंने 32 किलो कम किया है। और जो ये तोरी की सब्जी है आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जरूर बताना कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और साथ में बहुत सारे अनियंस, आपकी मर्जी है आप अनियंस ले सकते हो, कुकुम्बर, जो भी लेना है, पर 32 टाइम्स आपको अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। और मैं अपना लास्ट डिटॉक्स वाटर ले रही हूँ, आज मैंने पूरा दिन ऐसे 4 गिलास पिए हैं और अपनी बॉडी को अच्छी तरह से डिटॉक्स किया है। जब भी सॉल्ट फ्री होते हैं मैं डिटॉक्स जरूर करती हूँ, आप लोग भी जरूर फ्रेंड्स किया कीजिए। इवनिंग में मैं अपना फ्रेश जूस ले रही हूँ, आप देख सकते हो मैंने घर पे ही मौसमी से निकाला है, इसके अंदर कोई सॉल्ट शुगर नहीं है। आप लोग भी सॉल्ट फ्री में ऐसे कर सकते हो, अगर घर पे नहीं कर सकते तो आप बाहर से पी सकते हो, उन्हें बोलना कि इसमें नमक और कोई भी शुगर ऐड ना करें। आज मेरा सॉल्ट फ्री था तो मैंने अपने डिनर में घिया का सूप बोल सकते हो या घिया की सब्जी बोल सकते हो, और ये ली है, बिल्कुल सिंपल है, राई का तड़का लगा के मैंने सिंपल बॉईल करके इसको डाल दिया है, कुछ भी नहीं, इसमें कोई तड़का नहीं है, कोई ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसके बाद मैं सिर्फ दूध लूँगी, वो भी बिना शुगर का। बस आज मैंने बहुत अच्छी तरह से अपनी बॉडी को सॉल्ट फ्री किया है, क्योंकि जैसे आप मैरिजेस वगैरह में जाते हो तो वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है, ना भी कुछ खाओ, क्योंकि आप सब्जी भी अगर सोचो कि सब्जी ही तो हमने खाई है, वो सब्जी भी डीप फ्राई होती है, वो फ्राई करते हैं फिर उसके बाद वो सब्जी बनाते हैं। तो ये मत सोचा कीजिए कि मैंने तो सिर्फ सब्जी खाई है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, जबकि मैंने बहुत सारा सैलेड लिया था, अच्छी क्वांटिटी में मैंने सब्जी ली थी, दाल ली थी फिर भी, और हाफ नान लिया था, लेकिन फिर भी मैंने आज डिटॉक्स वाटर लिया, मैंने आज सॉल्ट फ्री लिया, अपनी बॉडी को मैंने आज बिल्कुल अच्छी तरह से रिलैक्स किया है। और आप लोग भी किया कीजिए, जब भी आप कभी बाहर का जंक्स खाते हो या बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो आप नेक्स्ट डे सॉल्ट फ्री किया कीजिए, बेस्ट ऑप्शन है कि आपके जो फैट है ना जमा हो। मैंने ऐसे ही 32 किलो कम किया, अभी मैं इसे बिल्कुल धीरे धीरे खाऊंगी, इसके साथ मैं कुछ आज सैलेड वगैरह नहीं ले रही बिल्कुल भी, आज मैंने प्रॉपर सैलेड भी लिया है और प्रॉपर सबसे ज्यादा मैंने आज अपने आप को डिटॉक्स किया है। का डिनर हो चुका था, 6:30 बजे ही हो गया था, और इस टाइम मैं लास्ट वॉक कर रही हूँ, और आज हमारा 15th डे भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग भी अपनी जर्नी इंजॉय कर रहे होंगे, और हमने कोई भी चीट मील नहीं करनी। आज मैंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डिटॉक्स भी किया है, सॉल्ट फ्री भी किया है,
ताकि जो भी कल का बाहर का खाना हुआ था वो मुझे ज़्यादा मेरे अंदर फैट ना जमा करे। आप लोग भी ये ज़रूर किया कीजिए। आज हमारा 15th डे भी कंप्लीट हो गया है। हेलो बोलो। और फ्रेंड्स, आज हमारा 15th डे भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे। गुड नाइट ऑल।